तो उस्ताद जी सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। सादिक जी, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला। सीकर जी, यानी राजस्थान से। तो मेले में तो मेरे को लगता है कि पुराने उस्ताद जी हो तो मेलों में तो आना जाना लगा ही रहता होगा। जी हाँ। तो हर मेले में जाते हो क्या हिंदुस्तान के? हाँ हाँ, जाते हैं ना, पुष्कर जाते हैं, मुस्कर जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। यहाँ से भी हम कम से कम 10 साल से आते हैं। 10 साल से? जी हाँ। और पुराना काम चला हुआ आ रहा है अपना? हाँ, देखो बहुत बार इनाम जीत के गए यहाँ से। बहुत बार? जी। तो क्या क्या सिखाते हो आप? मैं चाल है, नाच है, जो भी चॉइस के ऊपर होता है, किसी मालिक का चॉइस होता है हमको ये काम चाहिए। हाँ, उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। उस हिसाब से घोड़े बनाते हो? तो घोड़े को जैसे डांस वगैरह चाल वगैरह सीखने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग जाता है? देखो घोड़े के दिमाग पर खेल होता है। अच्छा। दिमाग पर जैसे कोई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर 10 लड़के पढ़ते हैं, 10वीं क्लास के अंदर 10 ही लड़के का एक जैसे दिमाग नहीं होता। इसी प्रकार से घोड़े जो होते हैं कोई ठंडापन में होता है, कोई तेजपन में होता है, कोई घोड़ा ऐसा होता है कि 8 से 10 दिन में घोड़ा अपना गेम दिखा देता है, कोई घोड़ा ऐसा तो मेहनत तक गेम नहीं दिखाते हैं। ऐसे घोड़े मिलते हैं? हाँ, मिल जाते हैं ना। फिर उनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है? मेहनत तो करना ही पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसका दिमाग देखना पड़ता है, घोड़ा इसको कहाँ से बनाना है, किस दिमाग का है, तो उस हिसाब से उसको। पर उस्ताद जी, जो लोग घोड़ों को मार मार के सिखाते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे यार, कि वो लोग बेवकूफ है क्या है? क्योंकि देखो मार से तो मेरे को लगता है घोड़ा और ढीठ हो जाता होगा। देखो ऐसा है, हर आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है बनाने का। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना जरूर है कि घोड़ों को बनाना, एक रेशम को जाल को सुलझाना, ये मामूली बात नहीं होती है। हर आदमी के बस का रोग नहीं घोड़ा बनाना। घोड़ा बोलता नहीं। घोड़े पे बैठने से, घोड़ों को भगाने से, घोड़ों को चलाने से मास्टर नहीं बन जाते। बिल्कुल। ट्रेनर होते हैं घोड़ों को, एक एक के लगाम से, एक एक बाग से, रंग से, हर बात से घोड़ा बनाना पड़ता है, जब जाके घोड़ा बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जी जी हाँ। कभी उस्ताद जी दुर्घटना भी हुई क्या घोड़ों को सिखाते हुए? देखो साहब, गाड़ी घोड़े हैं, कोई भरोसा थोड़ी इनका जीवन जिंदगी के अंदर। घोड़ा भी फेल हो सकता है, गाड़ी फेल हो सकता है, उस्ताद भी गिर जाते हैं, ऐसा कुछ। तो अभी ये घोड़ा है ना? जी हाँ। तो क्या उम्र होगी इसकी अभी? ये सर चौथा दांत बना रहा है। चौथा दांत बना रहा बना रहा है। और नाम क्या रख रखा है इसका? इसका नाम है सुल्तान। सुल्तान जी। और हाइट में कितना होगा? ये हाइट में होगा 58-57 हाइट का। 58-57 जी हाँ। तो सुल्तान की अभी आप हमको जो दिखाने वाले वो चाल दिखाने वाले? हाँ, अभी बना रहा है, इसको नया बच्चा है तो इसकी चाल है जैसे भी, जैसे आपको बता देते हैं। अच्छा, चाल कैसी है भाई? रेवाल चाल है। रेवाल चाल है, तो आपने ट्रेंड किया हुआ है ये? कितना दिन लग गया इसको ट्रेंड करने में? इसको करीबन मेरे को हो गया 30-25 दिन। 30-25 दिन में ट्रेंड हुआ है? अभी 25 दिन हुआ इसको बनाते हुए। तो अभी ये मंडी में सेल के हिसाब से आया कि? नहीं नहीं नहीं, सेल के हिसाब से, तंगड़ के लिए बनाया। तो रेवाल में कितना चलता होगा ये? अभी ये किसी ने नापा नहीं, इस पर अंदाज से करीबन चलता होगा मेरा 35 से बाहर। 35 से बाहर चलता होगा। ओके, तो अभी आप हमको इसकी चाल दिखाने वाले हो? जी। हाँ बैठा। हेलो भैया, अरे पता